नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार सोलो यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे रामलीला फिल्म की शूटिंग लोकेशन, जो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म थी। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर आफ्टर इंटरवल के कुछ सीन है जो सांबर लेक से शूट किए गए थे। जब रणवीर और दीपिका पादुकोण बिछड़ जाते हैं तो रणवीर सिंह थोड़ा पागल से हो जाते हैं, तो वो सीन दोस्तों यहाँ सांबर लेक से शूट किया गया था। यहाँ पे पीछे आप मेरे देख सकते हैं शाकंभरी माता का मंदिर है सांबर लेक के अंदर, यहीं से कुछ सीन है जो शूट किए गए थे, जो कि आज आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो पीछे आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पे एक भैरव मंदिर है, यहीं से वो सीन शूट किए गए थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ जो भी यहाँ से लोकेशन ली गई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ का सीन देख लो कुछ इस प्रकार से। सामने है शाकंभरी माता का मंदिर और ये सारी सांबर झील है, यहाँ पे नमक बनता है तो ये सारी सांबर झील है, बहुत दूर तक फैली हुई है। आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, एक पेड़ भी यहाँ पे नहीं उग रहा है। और ये है भैरव मंदिर जहाँ से वो सीन लिया गया था और इधर का कुछ ये सीन है। और यहाँ भैरव मंदिर आने के लिए ये कुछ रास्ता बनाया हुआ है। तो अभी हम भैरव मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं, से जो सीन लिए गए थे स्क्रीनशॉट वाइज। तो ये देख लो भैरव मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे ये है भैरव मंदिर, भैरव जी की प्रतिमा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है भैरव मंदिर। ये देख लो ये है नज़ारा। तो दोस्तों फिल्म में एक सीन को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, जूम करके दिखाया गया था, देखो इस प्रकार से दिखाया गया है। ये शाकंभरी माता का मंदिर दिखता है और यहाँ पे वो जीप खड़ी रहती है, वो राम के दोस्त रहते हैं तो उनकी वो जीप यहाँ पे खड़ी रहती है और जीप के ऊपर भी बैठे रहते हैं। और वो राम का एक दोस्त आता है और वो बोलता है राम क्या तू पागल हो गया है क्या। तो वो सीन दोस्तों यहाँ से शूट किया गया था। आप मंदिर का नज़ारा आप मिला सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर, और वो ऊपर पहाड़ के ऊपर एक गुंबद बनी हुई है उसे भी आप स्क्रीनशॉट के अंदर मिला सकते हैं, और ये धर्मशालाएं बनी हुई है उन्हें भी आप स्क्रीनशॉट के अंदर मिला सकते हैं। तो यहाँ से वो सीन शूट किया गया था, यहीं पर वो जीप खड़ी रहती है। तो ये है सीन और राम रहता है यहाँ मंदिर के अंदर, यानी कि रणवीर सिंह रहते हैं यहाँ पे मंदिर के अंदर। देखो ये सीन दिखाया गया है फिल्म के अंदर, रणवीर सिंह यहाँ पे खड़े रहते हैं, वो घंटियाँ बजाते रहते हैं, तो ये सीन दिखाया गया है। तो दोस्तों जब शूटिंग हुई थी तो यहाँ पे बहुत सारी वो घंटियाँ लगा दी गई थी, अभी तो यहाँ पे एक ही घंटी लग रही है, बट यहीं पर रहते हैं रणवीर सिंह। और दोस्तों ये आप दोनों पिलरों के ऊपर ये ओम लिख रहा है उसी प्रकार से आप स्क्रीन शॉट के अंदर मैच कर पा रहे होंगे, और सामने ये मंत्र लिख रहा है उसे भी आप स्क्रीन शॉट के अंदर मैच कर पा रहे होंगे। यही है वो सीन दोस्तों, यहीं पर खड़े रहते हैं रणवीर सिंह और ये आप देख सकते हैं ये है नज़ारा। और दोस्तों एक सीन के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, रणवीर सिंह खड़े रहते हैं यहाँ पे मंदिर के पास और सामने वो उसका दोस्त खड़ा रहता है, तो ये सीन दिखाया गया है और रणवीर सिंह बोलते हैं एक ही दिन में सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वो सीन यहाँ से शूट किया गया था। और वो जीप खड़ी रहती है वो वहाँ पर सामने खड़ी रहती है, तो ये सीन दिखाया गया है। दोस्तों एक सीन के अंदर दोस्तों यहाँ पे रणवीर सिंह बैठे रहते हैं और उस बोतल को फोड़ते हैं, यहाँ पे पीछे वो मंदिर का सीन उसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं, और उस बोतल को फोड़ के दोस्तों अपने हाथ की नस को काटते हैं, तो वो सीन भी दोस्तों इसी जगह से शूट किया गया था। आप पीछे मंदिर का नज़ारा उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं और फिक्स इसी जगह बैठते हैं रणवीर सिंह, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट के अंदर अगर गौर किया हो तो मंदिर के ऊपर ये गोल गुंबद नहीं है, तो ये शायद बाद में बना दी गई है, बट ये दानपात्र भी आप उसी प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे दानपात्र रखा हुआ है, सीन इसी जगह से शूट किया गया था, ठीक है। और एक सीन को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, रणवीर सिंह यहाँ पे गिर जाते हैं वो सीन दिखाया गया है, सामने वो गाड़ी खड़ी रहती है, वो जीप खड़ी रहती है और आगे तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो ये सीन यहाँ से दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखो बहुत सारा चेंजेस हो चुका है, ये रेलिंग वगैरह उस टाइम में थी नहीं, ये देखो ये बोर्ड वगैरह उस टाइम में थे नहीं, ओनली इतना ही नज़ारा था, ठीक है। ये देखो सब कुछ ये थोड़ा नया बना दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको इस मंदिर का चारों तरफ का नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ, इस प्रकार से है, ये देखो ये साइडों में रेलिंग वगैरह लगा दी गई है चारों तरफ, ये है नज़ारा पीछे से कुछ इस प्रकार से है, ये देख लो ये नज़ारा है और यहीं से शूट किया गया था वो। और दोस्तों रणवीर सिंह अपने हाथ की नस काटने के बाद इस खाली मैदान में चले जाते हैं, ये देख सकते हैं इधर चले जाते हैं, थोड़ा ब्लर सीन दिखाया गया था बट इधर चले जाते हैं।
अभी दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ वहाँ पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे वो गुंबद बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। वहाँ से किस प्रकार का सीन देखने को मिलता है वो मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो आप, ठीक है। तो वहाँ पे चलते हैं, एक सीन शायद वहाँ से शूट किया गया था, तो चलिए वहाँ पे ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों उस गुंबद के अंदर जाने के लिए यहाँ मंदिर के पीछे से रास्ता बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये रास्ता बना हुआ है। ये मंदिर है और वो गुंबद है, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। तो एक सीन दोस्तों देखो यहाँ से शूट किया गया है, उस मंदिर के पीछे से ऊंट जाते रहते हैं, तो वो मंदिर आप देख सकते हैं। और उस मंदिर के सामने यहाँ पे वो जीप खड़ी रहती है, तो वो सीन यहाँ ऊपर से शूट किया गया था। तो ये नज़ारा है यहाँ का। तो अगर आपने ऋतिक रोशन की एक फिल्म देखी हो जोधा अकबर, तो उसके अंदर जो लास्ट के अंदर जो लड़ाई होती है ना, तो वो सीन है जो सांबर लेक से ही शूट किए गए थे। पूरा सेट यहाँ पे जोधा अकबर का लगाया गया था। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं यहीं पे पूरा सीन है जो शूट किए गए थे, जो लड़ाई के जो सीन है वो यहीं पे शूट किए गए थे। ये देखो दोस्तों ये सीन दिखाया गया है जोधा अकबर फिल्म के अंदर। ये देखो ये सीन दिखाया गया है, यहीं पे वो लड़ाई होती है और जो लास्ट के जो सीन है वो यहाँ सांबर लेक से शूट किए गए थे। उसी प्रकार से आप स्क्रीन शॉट के अंदर मैच कर पा रहे होंगे, ठीक है। वो यहाँ पे पूरा प्रॉपरली सेट लगाया गया था, जोधा अकबर फिल्म जब शूट की गई थी तो यहाँ पे प्रॉपरली सेट लगाया गया था, वो तंबू वगैरह लगाए गए थे, तो वो सब कुछ सीन यहीं से शूट किए गए हैं सांबर लेक से ही। ये सीन दिखाया गया है जोधा अकबर फिल्म के अंदर, पहाड़ आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। देखो एक सीन कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है जोधा अकबर फिल्म के अंदर, यहाँ पे वो लड़ाई होती है, पीछे आप पहाड़ का नज़ारा उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। यहीं पे होती है वो सारी लड़ाई, यहीं पे जोधा अकबर फिल्म का सेट लगा था।